मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ व्यू करियर में। आज मैं लेकर आया हूं साइकोमेट्री पार्ट टू वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा साइकोमेट्रिक चार्ट इन डिटेल। साथ ही साथ मैं साइकोमेट्रिक चार्ट को ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा और एक न्यूमेरिकल को चार्ट की हेल्प से सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो यह वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक करें एंड देन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज साइकोमेट्रिक चार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू साइकोमेट्रिक चार्ट। सो साइकोमेट्रिक चार्ट इज अ वेरी यूजफुल ग्राफ फॉर फाइंडिंग आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर बाय एलिमिनेटिंग अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। मीन्स साइकोमेट्रिक चार्ट एक बहुत ही यूजफुल ग्राफ है, जिसकी हेल्प से हम बिना कैलकुलेशन किए हम मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। साइकोमेट्रिक चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर इन विच ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दैट इज एब्सिसा, एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। मीन्स साइकोमेट्रिक चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज को रिलेट करने के लिए, मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें हम एक्स एक्सिस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर को लेते हैं और वाई एक्सिस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को लेते हैं। इसका मतलब साइकोमेट्रिक चार्ट, देयरफॉर साइकोमेट्रिक चार्ट इज द ग्राफ विच इज ड्रॉन बिटवीन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। साइकोमेट्रिक चार्ट वो ग्राफ है जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बीच में बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर दो डेफिनेशन है साइकोमेट्रिक चार्ट की। फर्स्ट वन इज साइकोमेट्रिक चार्ट इज द ग्राफ विच इज ड्रॉन बिटवीन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एंड सेकेंड एंड बेसिक डेफिनेशन इज साइकोमेट्रिक चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर इन विच ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस। आपको ये दोनों डेफिनेशन याद रखनी है। नाउ अब आइए चलते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट की तरफ। सो दिस इज अ एक्चुअल साइकोमेट्रिक चार्ट, जिसमें आप बहुत सारी कर्व्स लाइंस को आप देख रहे होंगे, स्केल्स भी यहाँ पे कुछ बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइकोमेट्रिक चार्ट को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के साथ ही साथ हम सभी लाइंस को, कर्व्स को और स्केल्स को एक्सप्लेन करेंगे और कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ये भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल को चार्ट की हेल्प से सॉल्व भी करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट को स्टेप बाय। तो जैसा कि मैंने आपको डिफाइन किया है, साइकोमेट्रिक चार्ट इज ड्रॉन बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर लेते हैं और वाई एक्सिस पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो पहले हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं। सो दिस इज अ बेसिक लेआउट ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट, जिसके एक्स एक्सिस पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर लेते हैं हम लोग इन डिग्री सेल्सियस और वाई एक्सिस पर हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लेते हैं। कुछ चार्ट में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर में होता है और कुछ चार्ट्स में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर में दिया होता है। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक चार्ट अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि पैरामीटर अलग अलग यूनिट्स में हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रख देना है। एंड दिस कर्व इज कॉल्ड द सैचुरेशन कर्व, दिस कर्व इज कॉल्ड द सैचुरेशन कर्व। Along this curve, the air will be saturated air. Along this curve, अगर इस curve के along हम बात करेंगे तो हर point पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर point पर air will be saturated air. Okay? Because this curve is called the saturation curve. Okay? और इन्हीं curve के बीच में साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ होता है। ठीक है, saturation curve, x-axis और y-axis के बीच में ही साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल लाइंस की, क्योंकि आप देखेंगे अगर ओरिजिनल साइकोमेट्रिक चार्ट आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी वर्टिकल लाइंस बनी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल लाइंस की। सो दीज वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, दीज वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, जिसमें आपको देखेंगे वैल्यूज मेंशन होंगी 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40, 50 एंड सो ऑन वैल्यूज मेंशन होंगी। यानी कि ये वाली वर्टिकल लाइन 20 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन जो है 30 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर वाली लाइन है। अगर आपको क्वेश्चन में 40 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर दे रखा है तो आप 40 डिग्री सेल्सियस वाली ड्राई बल्ब टेम्परेचर को ले लेंगे और इस वर्टिकल लाइन को फॉलो करेंगे। ठीक है,
तो वर्टिकल लाइंस आर कॉन्स्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। ठीक, अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस की, क्योंकि साइकोमेट्रिक चार्ट में बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ होती हैं। तो दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉन्स्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन, दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉन्स्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस। ठीक है, और सैचुरेशन कर्व के किनारे आप देखेंगे तो वैल्यूज मेंशन होगी 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, दीज आर द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस आर द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस, कॉन्स्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस, और इन लाइंस के अलॉन्ग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर हमारा पॉइंट यहाँ पर मैंसन है, जैसे ये हमारा ए पॉइंट है और आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चाहिए, तो क्या करेंगे इस ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे और सैचुरेशन कर्व पे जो टेम्परेचर की वैल्यू लिखी होगी दैट टेम्परेचर विल बी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है तो 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया, और अगर हम वर्टिकल नीचे आ जाएंगे तो हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड चले जाएंगे तो हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉन्स्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉन्स्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। अब बात करते हैं कुछ इंक्लाइन लाइंस भी बनी होती हैं साइकोमेट्रिक चार्ट्स में, तो हम उनको ड्रॉ करते हैं। तो ग्रीन लाइंस, दीज इंक्लाइन लाइंस आर कॉन्स्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस, दीज इंक्लाइन लाइंस आर कॉन्स्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। ठीक है, और इनकी वैल्यू भी सैचुरेशन कर्व के किनारे मेंशन होती है। ठीक है, एक और इंक्लाइन लाइन होती है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस भी इंक्लाइन लाइन होती हैं, पर डिफरेंस फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, तो जो कॉन्स्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस हैं, सॉरी जो कॉन्स्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है इनका जो एंगल होगा एक्सेसिस से वो अप्रॉक्स 30 डिग्री के अराउंड होता है। ठीक है, सो कॉन्स्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस आर इंक्लाइन अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाली जो इंक्लाइन लाइंस हैं ये अबाउट 60 डिग्री और मोर देन 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन होती हैं, 60 डिग्री और मोर देन 60 डिग्री पे इंक्लाइन होती है। तो जिन इंक्लाइन लाइंस का एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा है या 60 डिग्री के आसपास है, दीज इंक्लाइन लाइंस आर कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस, और जिन इंक्लाइन लाइंस का जो एंगल है इंक्लिनेशन है वो अगर 30 डिग्री सेल्सियस है या 30 डिग्री सेल्सियस से कम है, देन दीज इंक्लाइन लाइंस आर कॉन्स्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। ठीक है, और जब भी हमें अगर वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी तो हम इन इंक्लाइन लाइंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कर्व बने होते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ऑरेंज कर्व मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, दीज कर्व्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व्स, यानी कि इन कर्व्स के अलॉन्ग ये आपका सैचुरेशन कर्व हो गया, सैचुरेशन कर्व पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है, कितनी थी होती है 100%, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर शिफ्ट होते जाते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिड्यूस होने लगती है, यानी कि सैचुरेशन कर्व पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है, उसके बाद उसके नीचे वाले कर्व पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90%, देन 80%, फिर 70%, 60%, 40%, ऐसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती आती है, और हर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए एक कर्व बना होता है। ठीक है ना, ओके, सैचुरेशन कर्व के लेफ्ट साइड में आप देखते हैं दो स्केल बने होते हैं, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर के लिए स्केल बना होता है जिसमें पार्शियल प्रेशर जो होता है वो mm ऑफ Hg में गिवन होता है, और एक एंथैल्पी का स्केल गिवन होता है। इन दोनों स्केल की हेल्प से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर फाइंड आउट करते हैं और एंथैल्पी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया साइकोमेट्रिक चार्ट। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, और हम एक न्यूमेरिकल को साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आराम से पढ़ते हैं, जो डाटा गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं साथ में, और उसके बाद हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट में की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ सैंपल ऑफ एयर इज हैविंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस, यानी हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर गिवन है, सो लिख लेते हैं यहाँ पर हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD इज 21 डिग्री सेल्सियस। नाउ एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 30% एट बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ 760 mm ऑफ Hg, यानी हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है 30% और बैरोमेट्रिक प्रेशर PV गिवन है 760 mm ऑफ Hg। ओके, नाउ फाइंड नंबर वन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, नंबर टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, नंबर थ्री वेट बल्ब टेम्परेचर एंड करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर, यानी कि हमें TW और PW फाइंड आउट करना है, TW यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना है और करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर मतलब
वेट बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर यानी कि PW निकालना है, जिसे हम स्टीम टेबल से निकालेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे निकालना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी मीक वैल्यू निकालनी है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर निकालना है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालना है, एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर पर केजी ऑफ ड्राई एयर निकालना है, ठीक है ना। सॉरी, और क्या क्या गिवन है हमें, आर की वैल्यू गिवन है, सीपी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड वेपर गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी गिवन है, सारी वैल्यूज हमें दे रखी हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और साइकोमेट्रिक चार्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम साइकोमेट्रिक चार्ट से सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास साइकोमेट्रिक चार्ट अवेलेबल है तो, नहीं तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन किसी किसी क्वेश्चंस में मेंशन किया होता है कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, किसी किसी क्वेश्चंस में मेंशन होता है कि आपको इस क्वेश्चन को साइकोमेट्रिक टेबल से सॉल्व करना है, उस केस में आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले सॉल्व करेंगे। किसी क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि आपको साइकोमेट्रिक चार्ट यूज नहीं करना है, स्पेशली मेंशन होता है, तब आप साइकोमेट्रिक चार्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने साइकोमेट्रिक चार्ट सॉल्व कर दिया तो आपको जीरो नंबर मिलेगा। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो मेरा सजेशन यही है कि साइकोमेट्रिक चार्ट ही यूज़ करें, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाता है, कैलकुलेशंस बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती हैं, बस थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ती है बस, बाकी आपको डायरेक्ट आंसर इसमें लिखने होते हैं, तो मुश्किल से 10 या 15 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 10 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, अगर आपकी स्पीड बनी हुई है, प्रैक्टिस है, तो मुश्किल से 5 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर साइकोमेट्रिक चार्ट ले लिया है, जिसमें देख सकते हैं आप एक्स एक्सिस पे ड्राइवल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है, ठीक है। ये देखिए ये वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं, बहुत सारी हल्की हल्की लाइन बनी हुई हैं, ठीक है। ये ड्राइवल टेम्परेचर लाइन हो गई, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप देख सकते हैं हल्की हल्की बनी हुई है। ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन हो गई आपकी, कॉन्स्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन, ठीक है। जो डार्क कलर की इंक्लाइन लाइन है ब्लैक कलर की, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखिए लिखा हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर की लाइन है, ठीक है। और एक ब्लू कलर की इंक्लाइन लाइन बनी हुई है, देखिए ये देखिए ये वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ओके। ये आपका इंथैल्पी स्केल गिवन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको ह्यूमिडिटी रेशियो गिवन है ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर में गिवन है, ठीक है। यहाँ पर इस चार्ट में ह्यूमिडिटी रेशियो यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर में गिवन है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, तो इसको केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और देखिए स्केल गिवन है, एक ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जो राइट साइड का स्केल है ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मेंशन कर रहा है 10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस, और जो लेफ्ट वाला जो स्केल है ये वेपर प्रेशर को मेंशन कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है, 1, 2, 3, 4 mm ऑफ Hg में, mm ऑफ Hg में वेपर प्रेशर को मेंशन कर रहा है। तो इन दोनों स्केल से हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू देखिए सैचुरेशन कर्व के पास भी लिखी हुई है, देखिए -5 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से भी हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर निकाल सकते हैं, और यहाँ इस स्केल से भी हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकाल सकते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब आइए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमें न्यूमेरिकल में दो पैरामीटर गिवन है, एक हमें गिवन है ड्राई बल्ब टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा जो मेन पैरामीटर गिवन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30%। तो हम क्या करेंगे, हम 21 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर की कांस्टेंट वर्टिकल लाइन को फाइंड आउट करेंगे, और 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला कर्व फाइंड आउट करेंगे, और ये दोनों लाइन और कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम लोग मेंशन करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो 21 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन कहाँ होगी, ठीक है, देखिए ये रहा 20 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये हो गया 25, और इन दोनों के बीच में 5 लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है ना, 5 खाने हैं, तो यानी हर खाने की वैल्यू है 1 डिग्री सेल्सियस। तो 20 के बाद जो नेक्स्ट वाली जो वर्टिकल लाइन है दैट इज 21 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, ठीक है। तो दिस इज द 21 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, तो हम यहाँ पर लाइन मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्स्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन एट 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये हो गया हमारा 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम दे देते हैं नाम ए, ठीक है। अब इस पॉइंट से अगर हम लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए वाई एक्सिस पर हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है, और अगर हम इस तरफ राइट साइड अगर हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव करेंगे तो हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू सैचुरेशन कर्व के पास मिल जाएगी, ठीक है ना। सिमिलरली क्या करेंगे, इंक्लाइन लाइन हम ड्रॉ करेंगे सैचुरेशन कर्व की तरफ, और ऐसे हम करके सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ताई ड्रॉ करते हैं हम लोग, पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं टुवार्ड द ह्यूमिडिटी रेशियो। जब हम लोग ह्यूमिडिटी रेशियो की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो आइए देख सकते हैं कितनी वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर। तो देखिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि ये है 5 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर,
ठीक है, और 5 और 0 के बीच में 5 खाने हैं, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, यानी 5 लाइनें हैं, यानी कि 5 खाने हैं, यानी हर खाने की वैल्यू है 1, यानी कि जो 5 से नीचे वाली जो लाइन है वो है 4 ग्राम पर, यहाँ ये वाली जो लाइन है यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, 4 ग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे 4 होगी। अब आप देख सकते हैं जो हमारी डॉटेड लाइन है जो कि हमारा पॉइंट ए से जो कि आ रही है लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 4 और 5 के बीच में नहीं है बल्कि 4 और 5 के बीच से भी ऊपर है, यानी कि 5 के वेरी क्लोज है, 5 से बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो कितनी वैल्यू होगी, तो 5 और 4 का आधा करेंगे 4.5, और 4.5 से भी ऊपर है तो 4.6, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वैल्यू नहीं निकलेगी, 4.6 और 4.7 दोनों ले सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 4.6 भी लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही है, और अगर आप 4.7 लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में 0.1 का या 0.2 और 0.1 से 0.5 के बीच में डिफरेंस हो सकता है, डिपेंड ये करता है कि वैल्यू किसकी है, ठीक है ना। अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर 0.1 0.2 कंसिडरेबल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू आ गई, दैट इज W आ गया हमारे पास 4.6 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। 4.7 भी जो लोग लिख देंगे उनका भी आंसर सही होगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, केजी में ग्राउंड कर लेंगे, तो हमारे पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी केजी में आ जाएगा 0.0046 केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर स्केल से, ये रहा वेपर प्रेशर स्केल की हेल्प से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर पीवी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए वैल्यू कितनी आ रही है स्केल पर, आप देख सकते हैं 5 और 6 के बीच में है, बीच से थोड़ा ऊपर है, 5 और 6 mm ऑफ एच जी के बीच से भी ऊपर है, मिडिल से भी ऊपर है। तो 5.5 mm ऑफ एच जी लिख सकते हैं, और 5.6 mm ऑफ एच जी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज 5.6 mm ऑफ एच जी, ठीक है। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे निकाला हमने, 5 और 6 के बीच से भी थोड़ा सा ऊपर है, मिडिल से भी थोड़ी ऊपर है लाइन, तो मिडिल की वैल्यू हो गई 5.5, और मिडिल से थोड़ा ऊपर हम 5.6 वैल्यू ले सकते हैं, 5.7 जो लेंगे उनका भी आंसर सही होगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर आ गया 5.6 mm ऑफ एच जी, ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पॉइंट ए से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे सैचुरेशन कर्व की तरफ, ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें क्या देगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू देगी, ठीक है। तो हम देखेंगे सैचुरेशन कर्व के में हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, ये हमारा सैचुरेशन कर्व है, ठीक है, ये हमारा 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, और ये है 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप देख सकते हैं, दिमाग लगाइए कितनी वैल्यू होगी, देखिए जरा 0, 1, 2, 3 एग्जैक्टली 3 पर हमारा ये लाइन इंटरसेप्ट कर रही है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना निकल गया है यहाँ पर, 3 डिग्री सेल्सियस, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP इज 3 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब क्या करेंगे हम, इस पॉइंट ए से होते हुए हम इंक्लाइन लाइन 30 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कह सकते हैं इन जो ये जो इंक्लाइन लाइन है इनके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे टुवार्ड सैचुरेशन कर्व, ठीक है, ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। जब टुवार्ड सैचुरेशन कर्व जब हम लोग इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ से वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। देखिए वैल्यू कितनी आएगी, ये हो गई 10 के बाद नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 11, ये हो गई देखिए 10, इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है वो 11, उसके बाद 12, और 12 और 11 के बीच से भी थोड़ा सा ऊपर है, आप देख सकते हैं 10, 11 और 12 की लाइन के बीच से भी थोड़ा सा ऊपर है। तो अगर आप 11.5 आंसर लिख देंगे तो भी सही है, और अगर 11.6 आंसर लिख देंगे तो भी सही है। तो यहाँ से वेट बल्ब टेम्परेचर TW आ जाएगा 11.5, मैंने यहाँ पर लिया है, वैसे 11.6 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द वेट बल्ब टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक वैल्यू और निकालनी थी, करेस्पॉन्डिंग पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, यानी कि सॉरी सैचुरेशन प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर स्टीम टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, सैचुरेशन प्रेशर निकालेंगे करस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर। तो क्या करेंगे हम, 11.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग हम स्टीम टेबल में जाएंगे, और 11.5 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर दिया होगा वो निकाल लेंगे, और दैट प्रेशर विल बी योर सैचुरेशन प्रेशर एट वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब एंथैल्पिक वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसी जो ये हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर की जो इंक्लाइन लाइन है इसी को क्या करेंगे, हम आगे की ओर हम लोग मिला देंगे, तो यहाँ पर इस स्केल के हेल्प से हम एंथैल्पिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए मिला देते हैं हम लोग,
जब हम आगे की मिला देंगे तो यहाँ से हमें एंथैल्पी की वैल्यू निकल आएगी। देखिए बताइए कितनी वैल्यू आ रही है, देख के बताइए। देखिए 30, 31, 32, 33, ठीक है ना। यहाँ से एंथैल्पी की वैल्यू आ गई 33 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्रायर। एंथैल्पी की वैल्यू कितनी आ गई, 33 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्रायर, ठीक है। अब हमें निकालना था स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम की कौन सी लाइन पॉइंट ए के क्लोजेस्ट है या पॉइंट ए से पास होकर के निकल रही है, ठीक है ना। तो देखिए जरा पॉइंट ए जो हमारा है उस पॉइंट से सबसे क्लोज कौन सी लाइन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की कौन सी लाइन पॉइंट के क्लोज है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है आपकी ब्लैक कलर की जो लाइन है जिस पे वैल्यू मेंशन है, देखिए बीच में 0.84, आप उसको थोड़ा जूम करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइकोमेट्रिक चार्ट का पीडीएफ यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जिसके पास भी साइकोमेट्रिक चार्ट अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या जिसके पास भी नहीं है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है और पीडीएफ को जूम करके आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब पीडीएफ में आप जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0.84, जैसे यहाँ पर 0.84 है, ये 0.86 है, या 0.88 है, ये 0.82 है, ठीक है ना, 0.8 है वैल्यू, ठीक है ना। तो जो हमारा पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए की क्लोजेस्ट कौन सी है, ये वाली है स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन जिस पे वैल्यू कितनी है 0.84, ठीक है। 0.84 से थोड़ा सा नीचे पॉइंट है, देखिए एग्जैक्टली जो हमारा पॉइंट है वो इस लाइन पर नहीं है, उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे है। तो हमने देखिए 0.84 से थोड़ी वैल्यू कम कर ली है, कितनी वैल्यू लिख ली हमने यहाँ पर, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया 0.84 से थोड़ा सा कम कर दिया, कितना 0.838 मीटर क्यूब पर केजी। दिस इज योर लास्ट आंसर। अब यहाँ पर एक क्वेरी ये बनती है या एक पॉइंट ये बनता है कि इस क्वेश्चन का आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब साइकोमेट्रिक चार्ट से सॉल्व कर लिया, सारे आंसर हमें मिल गए, क्या हम इस आंसर को डायरेक्टली एक कॉपी में ऐसे लिख देंगे और क्वेश्चन हो गया, नहीं। अगर आपको एग्जाम सेल की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको साइकोमेट्रिक चार्ट प्रोवाइड किया जाता है तो आप क्या करेंगे, साइकोमेट्रिक चार्ट पे ही पूरा ड्रॉ कर लेंगे, सारे वैल्यूज़ को मेंशन कर देंगे और जो आंसर आएंगे उसे आप क्या करेंगे, आंसर बुकलेट में लिख करके उसी जगह पर आप साइकोमेट्रिक चार्ट को पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर साइकोमेट्रिक चार्ट प्रोवाइड नहीं होता है और आपके पास रेफ्रिजरेशन टेबल है तो आप रेफ्रिजरेशन टेबल से तो साइकोमेट्रिक चार्ट निकालेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, तब आप फिर साइकोमेट्रिक चार्ट के हेल्प से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे और आप आंसर बुकलेट में क्या करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी और रफली आप क्या करेंगे, साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ करेंगे। आइए देखते कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए जो डाटा गिवन है उसको मेंशन कर दिया है और जो डाटा निकालना है उसको भी आप मेंशन कर दीजिएगा कॉपी पे, जो डाटा गिवन है उसको भी आप कॉपी में लिखिए, जो डाटा निकालना है उसमें भी आप क्वेश्चन मार्क बनाते हुए आप कॉपी में लिखिए। उसके बाद आप क्या करिए, साइकोमेट्रिक चार्ट का लेआउट बनाइए पेंसिल से या पेन से, ठीक है। जो डाटा गिवन है उसको यहाँ पर मेंशन करिए, जैसे ड्राइबल टेम्परेचर गिवन है 21 डिग्री सेल्सियस तो मैंने मेंशन कर दिया, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंशन है 30%, तो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला कर्व बना दीजिए और उस पर लिख दीजिए 30%, ठीक है। अब क्या करिए, आप लिखिए सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय यूजिंग साइकोमेट्रिक चार्ट, बड़ा बड़ा लिख दीजिए सबसे पहले कि हम इस क्वेश्चन को साइकोमेट्रिक चार्ट से सॉल्व कर रहे हैं, तो लिख दीजिए सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय यूजिंग साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एज टू मेन पैरामीटर ड्राइवल टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज गिवेन, सो फर्स्ट फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ए ऑफ 21 डिग्री ड्राइवल टेम्परेचर एंड 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि हम क्या करेंगे, 21 डिग्री ड्राइवल टेम्परेचर और 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दैट इज वाई एक्सिस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी फ्रॉम द साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम में आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन, और जो वैल्यू साइकोमेट्रिक चार्ट से आई है वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे और आप पूरा पूरा आंसर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ गई यहाँ पर आएगी ग्राम पर केजी ऑफ ड्रायर में, उसको आप केजी में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, आंसर आप लिख देंगे, दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ठीक है ना, और उसको आप ब्लॉक में बंद कर देंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे, ठीक है। नाउ ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स सैचुरेशन कर्व, जैसे जैसे आपने किया, जैसे जैसे आपने लाइन ड्रॉ की, जो जो स्टेप आपने फॉलो किए उसको बस आपको लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने स्टेप क्या किया था, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी सैचुरेशन कर्व की तरफ, तो देखिए लिख दिया मैंने वहीं पर, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स सैचुरेशन कर्व एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फ्रॉम द साइकोमेट्रिक चार्ट। तो यार ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना आया था 3 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या करिए चार्ट डायग्राम में भी मेंशन कर दीजिए और आप आंसर में भी मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना, दिस इज योर सेकंड आंसर, और आप इसको ब्लॉक में बंद कर दीजिए, ठीक है, ताकि दूर से दिखे कि आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना आया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी टुवर्ड द वेपर प्रेशर
स्केल की तरफ, ठीक है ना। और वेपर प्रेशर स्केल की हेल्प से आपने क्या किया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकाला था, जो कितना आया था 5.6 mm ऑफ एच जी, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया था आपने, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की थी पहले, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और लिख देंगे ड्रॉ इंक्लाइन लाइन पैरेलल टू द वेट वर्ल्ड टेम्परेचर लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड द सैचुरेशन कर्व एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्ल्ड टेम्परेचर। सो फ्रॉम साइक्रोमेटिक चार्ट वेट वर्ल्ड टेम्परेचर कितना आ गया, 11.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी लिख देंगे और डायग्राम में भी लिख देंगे, ठीक है, और आंसर मेंशन कर देंगे तीसरी और थर्ड आंसर, और इसे ब्लॉक में बंद कर देंगे। फिर जैसे आपने नेक्स्ट क्या निकाला था, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग आपने सैचुरेशन प्रेशर निकाला था स्टीम टेबल से, ठीक है। तो आप लिख देंगे नाउ फ्रॉम स्टीम टेबल फाइंड आउट द सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू वेट वर्ल्ड टेम्परेचर। वेट वर्ल्ड टेम्परेचर कितना है, 11.5 डिग्री सेल्सियस, तो 11.5 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग स्टीम टेबल से सैचुरेशन प्रेशर निकालेंगे, और वो कितना है देखिए 0.0136 बार। मैंने यहाँ पर स्टीम टेबल का पेज मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं। तो सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू वेट वर्ल्ड टेम्परेचर आ गया 0.0136 बार, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया था, एंथैल्पी निकाली थी, ठीक है हाँ सॉरी, एंथैल्पी निकालने से पहले आप इस बार को mm ऑफ एच जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो आंसर होगा वो mm ऑफ एच जी में होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, बार को कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। उसके लिए आप क्या करेंगे, 10^5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में कर देंगे, 133 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका mm ऑफ एच जी में आ जाएगा, ठीक है ना। अब एंथैल्पी निकाला था, उसके बाद आपने एंथैल्पी निकाल देते हैं, ठीक है। नाउ सिमिलरली फ्रॉम एंथैल्पी स्केल वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर इज, ठीक है, कितनी आई थी, 33 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है ना। और सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, नाउ सिमिलरली फ्रॉम साइकोमेट्रिक चार्ट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन गिवन गिव्स द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर, ठीक है ना। और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसकी वैल्यू यहाँ मेंशन कर देंगे, और यहाँ पर आप आंसर मेंशन कर देंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना आ गया, 0.838 मीटर क्यूब पर केजी, दिस इज योर लास्ट आंसर, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको पेन से या फिर पेंसिल से साइक्रोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ करना है, सारी लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, वैल्यूज यहाँ पर मेंशन करनी है, और आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, और जो आपका आंसर आएगा उसको आपको ब्लॉक में बंद करके बड़ा बड़ा आंसर आपको लिखना है। ये तरीका है साइक्रोमेट्रिक चार्ट से आंसर निकालने के बाद लिखने का तरीका, एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको 10 out of 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप थ्योरी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, तो थ्योरी के 2 या 3 नंबर काट सकता है एग्जामिनर, डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पर, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं असाइनमेंट न्यूमेरिकल की, जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में दिया था। तो ये है आपका असाइनमेंट न्यूमेरिकल, ठीक है, इसको भी हम लोग आराम से पढ़ेंगे। और चूंकि इसमें मेंशन नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को बाई फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाएंगे, और उसके बाद हम इसको साइक्रोमेटिक चार्ट से भी सॉल्व करेंगे। तो आपकी 2 प्रैक्टिस हो जाएंगी इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ एयर एट 28 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 760 mm ऑफ एच जी इज 0.016 केजी पर केजी ऑफ ड्राइयर। यानी आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको ह्यूमिडिटी रेशियो गिवन है कितना, 0.016 केजी पर केजी ऑफ ड्राइयर, आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर गिवन है 28 डिग्री सेल्सियस, और आपको बैरोमेट्रिक प्रेशर गिवन है 760 mm ऑफ एच जी, 760 mm ऑफ एच जी, ठीक है। आइए लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या गिवन है, हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W गिवन है 0.016 किलो जूल सॉरी केजी पर केजी ऑफ ड्राइयर, हमें ड्राइवल टेम्परेचर TD गिवन है 28 डिग्री सेल्सियस, और हमें बैरोमेट्रिक प्रेशर PB गिवन है 760 mm ऑफ एच जी। हमें निकालना क्या क्या है, डिटरमाइन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पेपर PV निकालना है हमें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई निकालना है हमें, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP निकालना है हमें, स्पेसिफिक एंथैल्पी H निकालना है, और वेपर डेंसिटी निकालना है rho V, ठीक है ना। देखिए हमें जो जो निकालना है हमने मेंशन कर दिया, हमने फाई निकालना है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP निकालना है, एंथैल्पी H निकालना है, और हमें वेपर डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस के लिए TS डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। नाउ चूंकि हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी गिवन है, तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला, W इक्वल टू 0.622 इंटू PV अपॉन PB माइनस PV, जहाँ PV क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो कि हमें निकालना है, और PB क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर जो कि हमें दिया हुआ है 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी गिवन है, तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, बैरोमेट्रिक प्रेशर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम
पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकालेंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि निकालना है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है पीवी अपॉन पीएस। पीवी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, एंड पीएस क्या है? सैचुरेटेड प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर, या प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर करस्पॉन्डिंग टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो हम यहाँ पर पीवी निकाल लेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले से, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाले फॉर्मूले से, और पीएस अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ से रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगा। और स्पेसिफिक एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू 1.002 इनटू ड्राई बल्ब टेम्परेचर टीडी प्लस डब्ल्यू इनटू एचएफजी एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर प्लस 2.3 इनटू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर टीडीपी। तो यहाँ से हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालने के बाद स्पेसिफिक एंथैल्पी निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और उसके बाद हम लोग वेपर डेंसिटी निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में हम वैल्यू पुट करके पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पर कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू कितनी है? 0.016 किलो जूल पर, सॉरी केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, और बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया हुआ है 760 एमएम ऑफ एचजी। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पर निकल के आ जाता है 19.06 एमएम ऑफ एचजी। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस पार्शियल प्रेशर को बार में काउंट करेंगे। तो बार में काउंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एमएम ऑफ एचजी को बार में काउंट करना होता है, तो 133 से मल्टीप्लाई करते हैं और बार के लिए 10^5 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर देते हैं तो जब हमारे पास प्रेशर आ जाएगा बार में 0.025 बार, दिस इज योर पार्शियल प्रेशर इन बार। अब क्या करेंगे हम लोग, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालेंगे। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द सैचुरेशन टेम्परेचर करेस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो क्या करेंगे हम लोग, स्टीम टेबल में जाएंगे और जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है 0.025 बार, इस प्रेशर पे सैचुरेशन टेम्परेचर निकालेंगे और उस प्रेशर, उस टेम्परेचर को कहेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फ्रॉम स्टीम टेबल फाइंड आउट द सैचुरेशन टेम्परेचर एट पार्शियल प्रेशर 0.025 बार, जो कि गिवन है, कितना है? 21.1 डिग्री सेल्सियस। 0.025 बार पे सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है? 21.1 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज योर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, एंड दिस इज योर थर्ड आंसर। ओके, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर भी आ गया। अब हमें निकालना क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अपॉन सैचुरेशन प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर पीएस। तो पीवी तो निकाल लिया, पीएस अगर और निकाल लें तो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल आएगा। और पीएस क्या होता है? पीएस इज द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ एयर एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और वी कैन से प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो क्या करेंगे हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी कि कितना दिया हुआ है ड्राई बल्ब टेम्परेचर? 28 डिग्री सेल्सियस। कितना गिवन है? 28 डिग्री सेल्सियस। तो 28 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे हम लोग, सैचुरेशन प्रेशर देखेंगे स्टीम टेबल में, और जो प्रेशर गिवन होगा दैट विल बी द प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ये देख लेते हैं हम लोग। So, PS is saturation pressure corresponding to dry bulb temperature, that is given 28 degree Celsius. Dry bulb temperature कितना दिया हुआ है? 28 degree Celsius. तो हम क्या करेंगे, स्टीम टेबल में 28 degree Celsius से corresponding saturation pressure देख लेंगे, जो कि कितना दिया हुआ है? 0.03778 bar. ओके, इसको क्या करेंगे हम लोग, mm of Hg में कन्वर्ट कर लेंगे। तो mm of Hg में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 10^5 से मल्टीप्लाई और 133.3 से डिवाइड। तो जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सैचुरेशन प्रेशर आ जाएगा, दैट इज पीएस आ जाएगा 28.34 एमएम ऑफ एचजी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू है पीवी अपॉन पीएस। पीवी हमने निकाल लिया है, ऊपर देखिए मेंशन कर दिया हमने 19.06 एमएम ऑफ एचजी, और पीएस हमने निकाल लिया है 28.34 एमएम ऑफ एचजी। दोनों के वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगा 67.25%। दिस इज योर थर्ड आंसर। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, एंथैल्पी निकाल लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ द एयर का फॉर्मूला है 1.002 इनटू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो कि हमने गिवन है 28 डिग्री सेल्सियस, प्लस डब्ल्यू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये भी हमें गिवन है 0.0016 केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, इनटू एचएफजी एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है ना। एचएफजी मतलब लेटेंट हीट एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमने निकाल लिया है 21.1 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, स्टीम टेबल में 21.1 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग लेटेंट हीट एचएफजी निकाल लेंगे, वो हमारा हो जाएगा एचएफजी डीपी, ठीक है ना, प्लस 2.3 इनटू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जो कि हमने निकाल लिया है 21.1 डिग्री सेल्सियस। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए स्टीम टेबल में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 21.1 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो लेटेंट हीट है वो कितनी है, 2451.76 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राइयर, ठीक है। तो जब वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से एंथैल्पी आ जाएगा 68.26 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राइयर। दिस इज योर फोर्थ आंसर, ठीक है।
एंथैल्पी निकालने के बाद हमें निकालना था वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो वी इक्वल टू डब्ल्यू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंटू पी वी माइनस पी वी अपॉन आर ए इंटू टी डी। आर ए क्या है, गैस कॉन्स्टेंट ऑफ द एयर, टी डी क्या है, ड्राइबल टेम्परेचर। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से वेपर डेंसिटी आ जाएगा 0.0183 के जी पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। दिस इज योर लास्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मूले से, ठीक है ना, न्यूमेरिकल। अब हम क्या करेंगे, इसी न्यूमेरिकल को साइकोमेट्रिक चार्ट के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करेंगे, साइकोमेट्रिक चार्ट देखिए हमने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, डाटा कौन कौन सा गिवन है, हमें यहाँ पर ड्राइबल टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W गिवन है इस बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ड्राइबल टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस ड्राइबल टेम्परेचर वाली लाइन यहाँ पर सर्च करेंगे और 0.016 केजी ऑफ केजी पर ड्रायर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर हम पॉइंट मेंशन करेंगे और उसके बाद हम सारी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए 28 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन यहाँ पर होगी। देखिए ये होगी 30 डिग्री सेल्सियस, ये होगी 29, ये हो गया 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो है 0.016 केजी, तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है यानी कि ह्यूमिडिटी रेशियो जो है वो ग्राम पर केजी में है। ठीक है ना, तो ग्राम पर केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1000 का मल्टीप्लाई। जब 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाएगा 16 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर 16 ग्राम कहाँ पर है। ये देखिए ये हो गया 15 और 15 के जस्ट ऊपर वाली जो लाइन है ये हो गया 16। ठीक है, ये दोनों लाइन जहाँ पर कट करेंगी दैट इज योर पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट ए। पॉइंट ए निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर स्केल से क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर पी वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए तो पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग देखिए पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 19 mm ऑफ एच जी। यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर आ जाएगा 19 mm ऑफ एच जी। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पॉइंट ए से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है टुवार्ड सैचुरेशन कर्व। ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। जब टुवार्ड सैचुरेशन कर्व जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से देखिए हमें यहाँ पर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये 20 है, ठीक है, और 20 के जस्ट ऊपर जो हमारी लाइन है वो 21 है और 21 से थोड़ा सा ऊपर हमारी लाइन यहाँ पर कट कर रही है सैचुरेशन कर्व को। कर देख सकते हैं आप ध्यान से, देखिएगा तो ये गया हमारा 20 वाली लाइन कहाँ पे, ये 20 वाली लाइन है और ये 21 और 21 से जस्ट थोड़ी सी ऊपर है। तो आंसर हो गया आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वैल्यू आ गई 21.1 और 21.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, आप 21.1 लिखते हैं तो भी सही है, 21.2 लिखते हैं तो भी सही है आपका। ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ गया। अब हमें निकालना है वेट बल्ब टेम्परेचर, हालांकि पूछा नहीं गया है। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना होता तो हम क्या करते, हम यहाँ पर इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते और जो सैचुरेशन कर्व जहाँ कट करता है वहाँ पर टेम्परेचर निकालते, तो हमारा यहाँ से वेट बल्ब टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तो हम देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए देखिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। अगर हमें निकालना हो वेट बल्ब टेम्परेचर तो कितना आ जाएगा, देखिए देखिए 20, 21, ये हो गया हमारा 20, 21, 22 और 22 के ऊपर है 23 और 23 से थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पर हमारे पास वेट बल्ब टेम्परेचर आ जाएगा 23.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी वेट बल्ब टेम्परेचर वाली लाइन को अगर हम आगे एंथैल्पी स्केल तक बढ़ा देंगे तो हमारे पास एंथैल्पी आ जाएगी। तो देखिए एक्चुअली ये थोड़ा क्रोप वर्जन है, ये पूरा साइकोमेट्रिक चार्ट का डायग्राम नहीं है, ये हमने क्रोप किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वैल्यू छिप गई है थोड़ी सी, तो कितनी वैल्यू आ रही है देख सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एंथैल्पिक वैल्यू आ रही है 68.0 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू देख सकते हैं ये पॉइंट ए जो है वो किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कर्व के पास है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो पॉइंट ए है ये हमारा इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले कर्व के पास है, इस वाले कर्व और इस वाले कर्व के बीच में है, सॉरी। ठीक है ना, देख सकते हैं दोनों की वैल्यू कितनी है, देखिए एक है 70% और एक है 60%, तो 60% और 70% के बीच से थोड़ा सा ऊपर है, तो बीच करेंगे तो 65 और 65 से ऊपर करेंगे तो 66, 67, तो 67 लिख सकते हैं या फिर 66 लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके सही होंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आंसर आ जाएगा 67%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बाद हम एंथैल्पी निकाल ही चुके हैं। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली लाइन पॉइंट ए के क्लोजेस्ट है। ठीक है, तो सबसे क्लोजेस्ट है हमारी 0.88। ठीक है, तो अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे किसके बीच में है, तो ये 0.86 और 0.88 के बीच से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो बीच करते हैं तो कितना आ जाएगा, सॉरी बीच में करेंगे तो बीच वाली लाइन ये आती है, तो बीच से ऊपर, तो 0.88 और 0.86 का बीच कितना हुआ, 0.87, और उसके ऊपर जाएंगे तो 0.875। ठीक है, तो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर आ जाएगा 0.875 मीटर क्यूब पर केजी। दिस इज योर लास्ट आंसर। ठीक, तो इस साइकोमेट्रिक चार्ट से वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, लिखने का तरीका हम आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं। वैसे क्या करेंगे आप लोग, पहले आप लोग साइकोमेट्रिक चार्ट का लेआउट बनाएंगे और जो डाटा गिवन है वो मेंशन करेंगे केवल,
ठीक है, हमें यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी गिवन था 16 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, तो हमने ये मेंशन कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, और हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया था 28, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ 21 लिखा हुआ है, 28 होगा यहाँ पर, 28 वाली लाइन यहाँ पर मेंशन कर दी, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो डाटा निकालना है ठीक है उसको मेंशन करेंगे और लिख देंगे, सबसे पहले बड़ा बड़ा लिख देंगे सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय यूजिंग द साइकोमेट्रिक चार्ट, उसके बाद हम लोग थ्योरी लिखेंगे, और थ्योरी लिखने के बाद हम लोग जैसे जैसे हमने जो जो स्टेप फॉलो किए थे वो स्टेप हम लिखते जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे, ठीक है, और डायग्राम में बनाते जाएंगे, ठीक है ना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, साइकोमेट्रिक चार्ट से कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करना है, और थ्योरी में लिखना कैसे है, मतलब आंसर बुकलेट में आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आपके लिए एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस असाइनमेंट न्यूमेरिकल, ठीक है, इस न्यूमेरिकल को आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देखिए लिखा हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द फॉलोइंग्स बाय यूजिंग साइकोमेट्रिक टेबल एंड फॉर्मूला एंड देन वेरीफाई द आंसर बाय सॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट, यानी पहले आप फॉर्मूले से सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, उसके बाद आप क्या करिए साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से इसको वेरीफाई करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं, यानी आपको क्या करना है दोनों तरीके से सॉल्व करना है और दोनों तरीके से आंसर आपके सेम आने चाहिए, अगर सेम आ रहे हैं तो आपका आंसर सही है, ठीक है, तब आपको 10 out of 10 मिलेंगे, अगर आपने केवल एक तरीके से आंसर निकाला और वहीं छोड़ दिया तो आपको 5 आंसर मिलेंगे, ठीक है। आपने साइकोमेट्रिक चार्ट से डायरेक्ट निकाल दिया और आपने फॉर्मूले से नहीं निकाला तो आपको फिर 2 या 3 नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि पहले आपको क्या करना है टेबल से यानी कि फॉर्मूले से सॉल्व करना है, उसके बाद साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से वेरीफाई करना है। अगर आपने केवल साइकोमेट्रिक चार्ट से किया तो आपको आंसर के केवल 2 या 3 नंबर मिलेंगे, केवल आपने फॉर्मूले से सॉल्व किया तो आपको आधे यानी 5 नंबर मिलेंगे, जब आप दोनों से सॉल्व करेंगे और आंसर दोनों से बराबर आएंगे तब आपका आपको 10 out of 10 आंसर नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को आराम से करना है, पहले फॉर्मूले से करिए, पहले वीडियो को देखिए, समझिए, फॉर्मूले रिवाइज करिए और आराम से इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करिए और फिर आप साइकोमेट्रिक से करिए, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, दैट इज साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।